गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज कौस्तु, दिस इज विशाल एंड टुडे इज 11th ऑफ अक्टूबर ट्यूजडे। सो वी आर हियर टू शो अवर लाइव ट्रेड, लाइक व्हाट वी एग्जैक्टली डू एंड व्हाई वी डू। वी विल ऑल्सो शो अवर ऑर्डर बुक सो दैट यू कैन नो अवर ट्रेड्स बेटर। सो इट्स अ प्री मार्केट टाइम, इट्स अ 9:11 एंड लेट्स लुक एट द मार्केट सेंटिमेंट्स। SGX Nifty is almost flat, like it's minus 6 points, this is 0.03%. So it will be a flat opening, there won't be a much gap up or gap down. And also Dow Jones is little weak, so market sentiments are for international market is down. Okay, so we will place our trade around 9:17. So at that time we will show what we have exactly done. So the time is 9:18 and we have entered in strangle position. We have entered in 17,500 call and 16,850 put. So basically call short kiya hai 21 pe and put short kiya hai 22 pe. ये जो हेजेस है ये मार्जिन बेनिफिट के लिए लिए गए। अभी इस पोजीशन को हम मार्केट के साथ बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे बिकॉज ये डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन है, नॉन डायरेक्शनल। सो जैसे जहाँ पे मार्केट मूव होती है उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो अगर कोई एडजस्टमेंट लगी तो मैं आपके साथ वो एडजस्टमेंट शेयर करूँगा। अब तक के लिए ये पोजीशन होल्ड पे, करंटली इन रनिंग ब्रेक इवन। इट्स 9:30, we are up by 2 to 3 points, so it's a good decay. But नीचे साइड में थोड़ा रिस्क है क्योंकि puts are not behaving good. अगर मार्केट यहाँ तक जाता है तो we might adjust the put. So there will be adjustment around 25. If put bleeds more than 25, there will be an adjustment. And for the call side, it will be 24. If it exceeds above 24, we will adjust to next call, which is 17,550. So till then it's good. Got a good decay. We are up by almost 3 points. Time is 9:50 and we are currently in profit of around 10 to 11k. तो अब क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक रेंज बनाई। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट नीचे के साइड में आता है तो पुट अगेंस्ट स्पाइक हो गए और पुट 25 तक जा सकता है। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो हमारा कॉल ऑलरेडी 16 पे है तो हम बैठ नहीं सकते अभी। तो अगर पुट 25 क्रॉस करता है तो हम एक साइड से कॉल से रिस्क ऑन करेंगे, मतलब 17,500 का कॉल हम बाय करेंगे, मतलब जो सेल है वो उसको बाय करेंगे एंड उसके अंदर का मतलब 17,450 का कॉल सेल करेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं बोल रहा था मार्केट अगेन गोइंग डाउन साइड और अगर ये लो ब्रेक करता है तो पुट स्पाइक दे सकते हैं। तो पुट का हाई 25, इसके ऊपर पुट एक मूवमेंट दे सकता है, तो इसलिए हमें अभी रेडी रहना पड़ेगा एडजस्टमेंट के साथ। तो एक बार एडजस्टमेंट होने के बाद मैं फिर से आपको पोजीशन दिखाऊंगा। ब्रो नीड एडजस्टमेंट। इट्स 10:35, निफ्टी में ये इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक की है, 17,140 की इम्पोर्टेंट लाइन ब्रेक की है। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ पे हमने पुट रिस्क ऑफ किया। So we have shifted from 16,850 put to 16,800 because the put was really high at price. So हमने 29 पे risk off किया है put and we bought at 21. So
एक्चुअली पुट में थोड़ा बिहेवियर अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ फेड इवेंट टुमारो. सो इट्स अ हार्ड डे फॉर अस टुडे. लाइक फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा है. सो इट वी केम फ्रॉम 13,000 टू 1,000 देन अगेन टू 6,000. सो देर इज अ बिग फ्लक्चुएशन गोइंग ऑन. सो लेट्स सी अगेन अगर ये और नीचे जाता है टिल हियर तो अगेन हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. तो अभी कॉल रिस्पॉन्ड करेंगे और यहाँ से ऊपर जाता है तो हम पुट रिस्पॉन्ड करेंगे. सो दैट्स द आइडिया. इट्स 11:52 एंड हमने यहाँ पे एक पुट रिस्क ऑफ किया था ये स्विंग लो होने ब्रेक होने के बाद. तो उसके बाद क्या इमिजिएटली मार्केट ने अगेन रिवर्स हुआ और रेंज के अंदर आ गए और यहाँ पे जो ये हाई था ये ब्रेक किया. तो इसके बाद अगेन हमारा जो पुट था एंड कॉल था उसमें इम्बेलेंस हो गए, इसलिए हमें फिर से जो पुट यहाँ पे रिस्क ऑफ किया था वो यहाँ पे रिस्क ऑन करना पड़ा. तो अभी पोजीशन हमारी है अगेन हम 16,850 पुट पे आ गए एंड कॉल सेट 17,450. सो करंटली M2M इज रनिंग अराउंड प्रॉफिट ऑफ 10 to 11 के. तो डीके आज कुछ इतना मिल नहीं रहा, जो भी मिल रहा है वो दो तीन एडजस्टमेंट में थोड़ा थोड़ा जा रहा है. तो देखते हैं अभी क्या होता है. ठीक है, तो फिर कोई एडजस्टमेंट लगी उसके बाद फिर से हम आपको अपडेट देंगे. इट्स 12:28. वी गॉट अ गुड डीके इन कॉल ऑप्शन. ये नीचे की रैली थी ना उसमें अच्छा डीके मिला. सो इट्स अराउंड MTM इज अराउंड 20,000. सो अभी बुक करेंगे हम अराउंड 22,000 दिखा तो बुक करेंगे. लेट्स सी. इट्स 12:45 एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इतना बड़ा फॉल हुआ मार्केट में. जैसे हम 20,000 प्रॉफिट तक गए थे वहाँ से एक बड़ा फॉल हुआ और उसके कारण पुट बहुत ज़्यादा गेन हुए, मतलब IV स्पाइक हुआ एंड कॉल जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कॉल उतना डाउन नहीं हुआ. तो इसके कारण हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 20,000 प्लस से एक बार लॉस में गया था 1,000 लॉस तक और अभी फिर से 5 to 6K का गेन दिखाई दे रहा है. तो अभी क्या आइडिया है कि अगर मार्केट यहाँ से और नीचे जाने लगता है तो डेफिनेटली IV शूट होंगे. तो हम हमारे ट्रेड एग्जिट के लिए रेडी रखेंगे, जो कुछ भी मिलता है या फिर जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है दिन का वहाँ तक होल्ड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं. और अगर मार्केट यहाँ से एक बाउंस दिखाता है और थोड़ा सा साइडवेज होता है तो फिर से हमें ये गेंस देखने को मिलेंगे. तो प्रॉफिट टारगेट सिर्फ 3 से 4 हज़ार से मिस हो गए, उसके बाद ये फॉल के कारण अगेन हमें ये ड्रॉडाउन दिखने को मिला था. अभी देखते क्या होता है. 2 PM राइट नाउ वी हैव बुक द प्रॉफिट ऑफ 16,800 रुपीज. एक्चुअली प्लान वॉज टू बुक एट 21,000 बट देर वॉज एब्सोल्यूट कार्नेज इन पुट साइड. आफ्टर दिस फॉल देर वॉज लाइक MTM वॉज अराउंड -1,000 एंड देन अगेन देर वॉज अ फॉल अगेन वी वेर एट द ब्रेक इवन. सो ऑप्शन प्रीमियम वॉज नॉट गुड. सो वी वेर नॉट कम्फर्टेबल. सो वी हैड टू बुक एट दिस लेवल क्योंकि अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर से लॉस दिख सकता है. सो दैट्स इट. आई होप यू गाइज आर लर्न फ्रॉम अवर वीडियो. So thank you for watching and don't forget to subscribe to our channel.